हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। मेरा तबीयत तो एकदम ठीक हो गया है, बट वॉमिक का तबीयत फिर से ख़राब हो गया है। उसका फीवर आ रहा है और थोड़ा थोड़ा ठंड भी लगा है। तो एनीवेज, आज का ब्लॉग सिर्फ फूड रिलेटेड है। तो आज का फूड में मेरे मम्मी और मेरे दीदी ने बहुत कुछ खाना हम लोग के लिए भेजा है फॉर डिनर। तो मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या मेरा दीदी चाहिए। सो आई एम सो थैंकफुल दीदी एंड मम्मी की खाना भेजवाने के लिए। एंड अभी हम लोग खाना खा के ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसा हुआ है खाना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, बहुत सारे खाने लेके बैठी हूँ और मैं एक एक करके आपको आइटम दिखाऊँगी जो भी मेरा मम्मी ने और मेरा दीदी ने बना के भेजा है। तो एक चीज़ तो ये है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बंगाली में धुकी बोलते हैं। आई डोंट नो कि इसके दूसरे लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलते हो। साउथ इंडियन में शायद ये इडली बोलता होगा। सो दिस इज़ इडली। ये वॉमिक का बहुत फेवरेट है, मगर मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगता है। बट हाँ, अगर इसके अंदर में जैसे अभी कोई स्टफिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टफिंग नहीं है, बट इसके अंदर एक स्टफिंग होता है जिसमें चीनी डाला जाता है। या ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं ना खजूर का, ये इसका स्टफिंग देता है। तो वो मुझे मीठा वाला पसंद है, बट ऐसे विदाउट स्टफिंग आई डोंट लाइक। तो मेनली आप सोच सकते हो कि ये वॉमिक के लिए बना है, ठीक है। तो दिस इज़ द इडली, और आप लोग जो भी बोलते हो, हम लोग तो गांव में इसको हम लोग तो इसको धुकी बोलते हैं बंगाली में, मतलब मुर्शिदाबाद का लैंग्वेज में ये हम लोग धुकी बोलते हैं। तो एनीवेज, ये हो गया और अब मैं दिखाती हूँ जो मतलब शो स्टॉपर जो रेसिपी होता है वो मेरा दीदी, ये मेरे दिस इज़ माय मॉम स्पेशलिटी। तो मेरा मम्मी ने ये बनाया है। मेरा मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, इनफैक्ट मेरा सास भी बहुत अच्छा बनाती है, मैंने सुना है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी। तो ये मम्मी का हो गया। अब मैं आपको शो स्टॉपर रेसिपी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसको हम लोग बोलते हैं पाया, और पाया या हम लोग ये भी बोलते हैं कि निहारी, जो हम लोग ये बहुत ही फेमस रेसिपी है जो हम लोग घर पे विंटर के टाइम में खाते हैं। एंड दिस इज़ मतलब इसमें क्या होता है, ये खाने से क्या होता है कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, प्रेफर्ड टाइम इज़ विंटर, जहाँ पे हम लोग ये खाते हैं। तो दिस इज़ मेड बाय माय सिस्टर एंड शी इज़ फेमस बिकॉज ऑफ दिस। सो ये आप देखो, इसका एक एक पीस मस्त होता है। एंड आपको कैलकटा में तो ये बहुत फेमस है, आपको एक पीस कटली तो उठा के दिखाती हूँ। कैलकटा में ये बहुत फेमस है, ये बहुत अच्छा मेरा दीदी बनाती है, इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाती है मेरा आई थिंक मेरा जीजा जी जो है, ही इज़ एक्सट्रीमली गुड इन दिस मेकिंग। एंड आज लोग घर पे पार्टी है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट्स हियर। तो इसीलिए उन लोगों को लगा कि पार्टी कर रहे हैं तो करिश्मा के बिना कैसे पार्टी करेंगे, वॉमिक के बिना कैसे पार्टी करेंगे। तो इसीलिए लोग क्या किया कि उन लोग खाना भेज दिया, और आई एम सो थैंकफुल कि ये लोग भेजा है। सो ये मैंने आपको शो स्टॉपर रेसिपी आज दिखा दिया। और अभी मेरे लिए, सिंस मैं ना इडली नहीं खाती हूँ, मतलब ये धुकी जो होता है मैं नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मेरा दीदी ने मेरे लिए एक्स्ट्रा ये बना के भेजी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बटर, ये घर पे बना है ये बटर नान, ये मैं खाती हूँ बहुत, इसके साथ माइचा के साथ खाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे लिए बना है इसीलिए, क्योंकि मैं धोखी ये नहीं खा पाती हूँ। तो मैं अभी ये ट्राई करूँगी, ये भी मेरा घर पे मेरा दीदी बनाती है एंड शी इज़ एक्सट्रीम, मतलब ये मैं आपको ये आराम से बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा दीदी बनाई है ना, इसका टेस्ट और मेरा जो बाहर का टेस्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, इज़ दैट क्वालिटी। सो आई थिंक मेरा ये मेरा दीदी का बेस्ट है। और मैं जैसे कि रात में मेरा थोड़ा सा चावल ज़रूरत होता है, तो इसीलिए मैं जस्ट ये मैंने ही बनाया है, ये जो चावल दिख रहा है ये मैंने ही बनाया, तो ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है, क्योंकि रात में ना मेरा थोड़ा सा चावल चाहिए होता है। और ये आलू फ्राई मैंने किया था आफ्टरनून को, तो ये भी मैंने ले लिया है। और ये तो वॉमिक का फेवरेट है, ये देखिए,
ये मम्मी ने भेजा है धोखी के साथ खाने के लिए। हम लोग रोटी के साथ भी खाते हैं। ये एक्चुअली खजूर का एक चटनी टाइप है, तो ये हम लोग खाएंगे धोखी के साथ। तो हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया है। तो पहले मैं थोड़ा सा ये खा के देखती हूँ इसके साथ। थोड़ा सा सैलड भी खाती हूँ। मैंने सैलड ले लिया। मुझे ये रेसिपी आता नहीं है बनाना। ये ना कैमरा थोड़ा सा आधा आधा है। ये रेसिपी मुझे नहीं आता है बनाना। माय मॉम सिस्टर मैं सास को ही पता है ये, तो मुझे नहीं आता, बट आई हैव टू लर्न दिस। तो अभी मैं ये पाइचस के साथ टू गुड। पर ये देखो एकदम हाथ से टूट रहा है, इतना नरम है, सो सॉफ्ट। ये खाने में तो भी टाइम लगेगा। और मैं आपको बोर नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ठंड बढ़ गया है लॉकडाउन के टाइम में। ये सीख लो आप, घर पे ट्राई करो, और ये धोखी ज़रूर बनाना घर पे। ये सारे रेसिपीज़ मैं कोशिश करूँगी कि अपना ब्लॉग में भी दिखा जाए। तो मगर लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत कुछ कैंसिल करना पड़ा शूट, बट यस हम लोग बहुत जल्दी ये सारे रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मगर आप लोग को अगर बाहर में इजीली निहारी अवेलेबल मिलता है तो मैं आपको यही बोलूँगी एक बार निहारी बाहर से ऑर्डर करके आप। तो हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं और मैं आप तो एक खूब विषय एक इम्पोर्टेंट विषय नहीं अपना देखे एखन ये कथाटा अपन सामने बोलो। किछुदिन आगे अभी अनेक जगह गेलम, स्पेशलि जे विलेज गेलोम मुर्शिदाबाद, तो सेखने अनेक सबसक्राइबार देखा हो तथे एमन देखा हो जरा सबसक्राइबार नय बाट ता क्यों चैनल भिडियोजगलो देखे। এখন ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে যে ওরা মানে ওরা ভিডিওসগুলো দেখে, কিন্তু ওদের একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওরা সব মানে যখন যখন আমরা ভিডিওস আপলোড করছি ওদের কাছে নোটিফিকেশন যাচ্ছে না। আর যখন ওই জিনিসটা আমি খুঁটিয়ে চেক করলাম যে কেন ওদের কাছে নোটিফিকেশন যাচ্ছে না বা ওরা বুঝতে পারছে না যে আমাদের ভিডিওস আপলোডেড হয়েছে, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ওরা আইদার সাবস্ক্রাইব করেনি, আর না হলে সাবস্ক্রাইব করেছে কিন্তু অল নোটিফিকেশনটা ওরা অন করেনি। তো আপনাদেরকে জাস্ট আমি আর এক মিনিট নেবো, সেখানে একটু দেখিয়ে দেবো যারা যারা এইরকম অসুবিধা ফিল করছে, দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না এবং আমাদের ভিডিওসগুলো পাচ্ছে না ওরা, তো তাদের জন্য একটা শর্ট একটা ভিডিওস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন যখনই আপনি ইউটিউব খুলছেন, ঠিক আছে আমি ইউটিউব খুলে নিচ্ছি। ইউটিউবে আমাদের যখন চ্যানেল হচ্ছে HSKV1, তো HSKV1-এ কী হচ্ছে দেখুন, এই এই চ্যানেলটা এই চ্যানেলটা দেখুন, এটা আমাদেরই চ্যানেল, ঠিক আছে। এবার এখানে এটা আমার হাজব্যান্ডের ফোন, এখানে ও সাবস্ক্রাইব করে আছে বলে এটা হোয়াইট কালারের আইকন দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন কি না আমি বুঝতে পারি না। হোয়াইট কালার সাবস্ক্রাইব করা মানে হোয়াইট আইকন আছে, এইটা যদি থাকে তার মানে আপনার চ্যানেল আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করা আছে। আর এটা যদি মানে এটা যদি না থাকে, এরকম যদি থাকে আর মানে এরকম যদি লাল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, তাহলে লালের জন্যে কি লাল মানে হচ্ছে যে আপনারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি। তো যখনই আপনি আমাদের চ্যানেলে আপনারা এখন আমাদের চ্যানেলে যে এই লাল বাটনটা ক্লিক করে দেবেন, এটা করলে কি হবে যে আপনারা আমাদের চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব করেছেন, কিন্তু সব রকম সব ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্যে আপনারা এখানে যে বেল আইকন আছে না, এখানে বেল আইকনের তিনটে অপশান আছে, একটা অল পার্সোনালাইজড আর নান। তো আমরা কিন্তু এই অলটার উপরে ক্লিক করব। অল্টার উপরে ক্লিক করলে কি হবে যে আমাদের যত ভিডিওস আপলোড হবে সব নোটিফিকেশন আপনারা পেতে থাকবেন। তো এই জিনিসটা অনেকজন করতে পারেনি, অ্যান্ড আমি যখন ওখানে মানে অ্যাপ্রোচ মানে আমি যখন ওখানে মুর্শিদাবাদে যাই তখন অনেকজন আমাকে এই প্রবলেমটা আমাকে বলেছে যে আমরা ভিডিওস জানতেই পারি না যে কখন আপনাদের আপলোড হয়েছে। তার জন্য আমি একটা ছোটো আমি ভাবলাম একটা ছোটো করে একটা আপনাদেরকে ইনফরমেশনটা দিয়ে দিই যাদের অসুবিধা হচ্ছে আমাদের ভিডিওস পেতে। তো দাদা প্লিজ প্লিজ আমাদের লাইক আমাদের
চ্যানেলে যে এখনই এটা করে দেবেন। অ্যান্ড আপনাদের সাপোর্টের জন্য আমরা এত দিন ধরে আসতে পেরেছি, আর আপনাদের আরও সাপোর্ট লাগবে আমাদের, তাই জন্য প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইবটা ডেফিনেটলি করবেন। আর আমাদের চ্যানেলসের ভিডিওস আমরা আরও ভালো ভালো কন্টেন্টস নিয়ে আসার চেষ্টা করছি, সো প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আর চ্যানেল।